Hello friends, myself Ramakrishna again with you. Yesterday we discussed the topic IVC. There is something more in IVC. Today we discuss the rest of the things of IVC. Let's discuss IVC, Indus Valley Civilization. Now we discuss about the trade. As you all know guys, external and internal trade both were present over there. ट्रेड बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले वस्तु. ट्रेड बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम. कॉइन्स वेर नॉट एविडेंट, वहां पे कॉइन्स नहीं मिले हैं, कॉइन्स का कोई भी वो नहीं मिला. अब वहां पे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था? व्हाट वाज द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर? बुलक कार्ट्स एंड बोट एंड समवेयर शिप ऑल्सो, बिकॉज यू फाइंड द एविडेंस इन लोथल डॉकयार्ड्स. वी कैन से दैट देर वर एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो. एंड वी टॉक अबाउट वेट एंड मेजर्स, माप और तौल की बात करें. वेट एंड मेजर्स आर मेड ऑफ जिप्सम, एंड स्टीलाइट. दे आर मल्टीपल इन 16. दे आर मल्टीपल इन 16. फॉरेन ट्रेड फ्लरिश विद मेसोपोटामिया और सुमेरिया एंड सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान ऑल्सो. मैं लिख देता हूं, आप नोट भी कर लीजिए. फॉरेन ट्रेड हमारा कहां कहां से था? सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया. यहां ऐसे हमारा फॉरेन ट्रेड था. लोथल से हमको इजिप्ट की एक सील भी मिली है. ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा फॉरेन ट्रेड था. अब मेजर इंपोर्ट्स क्या क्या थे हमारे, क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट करते थे? एक तरफ ड्रॉ करेंगे एक लाइन दोस्तों, यहां पे लिखेंगे इंपोर्ट्स एंड यहां पे लिखेंगे फ्रॉम, कहां से हम इंपोर्ट करते थे. सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे गोल्ड. गोल्ड हम कहां से इंपोर्ट करते थे? कोलार, ये कर्नाटक में है, आज भी है, यहां आज भी गोल्ड मिलता है. अफगानिस्तान, यहां से हम गोल्ड करते थे. अब दोस्तों देखते हैं सिल्वर. सिल्वर भी हम अफगानिस्तान से करते थे और साउथ इंडिया से. अफगानिस्तान एंड साउथ इंडिया. गोल्ड और सिल्वर की बात हो गई दोस्तों, अब बात करते हैं कॉपर की. कॉपर हम कहां से यूज करते थे, इंपोर्ट करते थे? खेतरी राजस्थान. एक कीमती पत्थर था लैपिस लाजुली, या लाजवर्द कह सकते हैं उसको, वो हम करते थे बदख्शां. लैपिस वो करते थे बदख्शां से, ये अफगानिस्तान में है. ठीक है. टिन हम कहां से इंपोर्ट करते थे? अफगानिस्तान से. ये चीजें हम इंपोर्ट करते थे दोस्तों. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म है, इसके बाद अपन वैदिक कल्चर पे आएंगे. दोस्तों कुछ एविडेंस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं और धौलीवीरा से मिले हैं, उनको भी देख लेते हैं. उससे पहले हम लोग देख लेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था वहां पर.
उससे पहले देख लेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या था, बीड मेकिंग यानी मनका बनाने के कारखाने, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनती थी, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी बनती थी, ठीक है। और कॉटन हमारे यहां सबसे पहले आया, कॉटन हमने सबसे पहले उगाने का श्रेय, कॉटन फैब्रिक्स दे आर यूज्ड इन समर एंड वुडन फैब्रिक्स यूज्ड इन विंटर, ठीक है। अब पॉटरी की बात करते हैं दोस्तों, पॉटरी की बात करते हैं तो सिंपल पॉटरी भी थी, रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी भी थी, रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी भी थी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ साइज की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको मेंशन किया था, कई चीजें मेंशन की थी, कुछ चीजें रह गई थी, तो उसे हम पूरा कवर कर लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा में हम लोगों को क्या क्या मिला देख लेते हैं। सिक्स गैलरीज इन अ रो, सिक्स गैलरीज इन अ रो, एक ही पंक्ति में छह गैलरीज मिली है। और लेबर बैरिक्स जिसपे ये अनाज कूटा जाता था, मजदूरों द्वारा लेबर्स पे अनाज को कूटते थे। और दोस्तों देख लेते हैं यहां पे क्या मिला है, सीमेंट्री आर H37 ग्रेवियार्ड, ठीक है दोस्तों। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगा, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगा, स्टोन पे स्टोन सिंबल ऑफ लिंगा, लिंगा क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन, इसकी वर्शिप की जाती थी, मैंने कल भी बताया था। एंड स्टोन सिंबल ऑफ योनि, स्टोन सिंबल ऑफ योनि, योनि मींस फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा रब करते हैं, हम बात करें मोहनजोदड़ो की, कल भी हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो, यहां से हम कुछ चीज देख लेते हैं क्या क्या मिला। पशुपति सील, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेवरल टाइम मार्क्स क्वेश्चन, पशुपति सील, यहां पे पशुपति सील सील मिली है, मोर मिली है, जिसमें कुछ जानवर बैठे हैं, उसको ऐसे याद रखिएगा, ETBR, एलिफेंट टाइगर बफेलो राइनासोरस, ठीक है दोस्तों। ETBR, एलिफेंट टाइगर बफेलो राइनासोरस, ये वहां पे मिला है, ठीक है, सील के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। असेंबली हॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, असेंबली हॉल, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, यहां पे एक मेसोपोटामियन सील भी मिली है, मेसोपोटामियन सील भी मिली है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें हमें मोहनजोदड़ो से मिली, ठीक है। एक साइट और इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, जो हमने कल छोड़ दी थी, उसको देख लेते हैं आज, बहुत बढ़िया दोस्तों। धौलीगीरा, यहां से हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिली हैं। एक तो यहां पर हमें मिला है स्टेडियम, सोचिए दोस्तों हमारी सिविलाइजेशन कितनी रिच थी, कितनी समृद्ध थी, सारी चीजें हमारी सिविलाइजेशन में मौजूद थी। आज अंग्रेज हमें कहते हैं कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने आए थे, भारतीय तो पहले से सभ्य थे, पहले से हम लोग महान थे। जिस वक्त वो पेड़ पे बैठ के लकड़ी काट रहे थे, हम उस वक्त कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का मंचन देख रहे थे, तो हम लोग शुरू से ही श्रेष्ठ थे। आगे देखते हैं, 10 डिजिट साइन बोर्ड मिला है, यहां से साइन बोर्ड,
ये धौलीवीरा साइट इंपॉर्टेंट है, यहां से मिला है, ठीक है। राखीगढ़ी एक और साइट है, वो भी काफी बड़ी साइट है और वो हरियाणा में है। और दोस्तों शतुगई एंड मुंडा गीक, दीज टू साइट्स वेर लोकेटेड इन अफगानिस्तान, वेर लोकेटेड इन अफगानिस्तान, लिख लीजिए दोस्तों, दीज टू साइट्स वेर लोकेटेड इन अफगानिस्तान। यहां तक हो गया दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैदिक कल्चर की तरफ आते हैं। वैदिक कल्चर, BC to 600 BC, ठीक है, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, सबसे पहले चीज ये होती है कि सभ्यता किसने बसाई। तो आपको बता दूं, ये दिस सिविलाइजेशन वॉज टोटली डिपेंड ऑन आर्यंस, आर्यंस ने ये सभ्यता को बनाया बसाया। अब बात करते हैं ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। डिफरेंट हिस्टोरियंस गिव द डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट कमेंट्स अबाउट द होमलैंड ऑफ द आर्यंस। ठीक है दोस्तों, बीजी तिलक, अकॉर्डिंग टू बीजी तिलक, आर्यन कम फ्रॉम आर्कटिक रीजन। पेंटा के अनुसार जर्मनी से आर्यन आए, मैक्स मूलर के अनुसार सेंट्रल एशिया से आए, एंड सेंट्रल एशिया इज द मोस्ट एक्सेप्टेड फैक्ट, तो हम लोग सेंट्रल एशिया मान के चलते हैं, ठीक है। एंड देयर द आर्यन स्प्रेड देयर सिविलाइजेशन, ये देखते हैं, सप्त सैंधो प्रदेश, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। कौन कौन सी सेवन रिवर्स थी? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। पहली थी इंडस, फिर वितिस्ता। ऋग्वैदिक नेम्स हैं इन रिवर के, मैं आपको ऋग्वैदिक नेम और मॉडर्न नेम दोनों रिवर्स के कराऊंगा, वहां से क्वेश्चन आता है। वितिस्ता एंड थर्ड वन इज अस्कनी यानी चेनाब, अभी देख लेंगे। अस्कनी विपास, एंड परशुणी यानी रावी, परशुणी यानी रावी, एंड शतुद्री यानी सतलज, शतुद्री यानी सतलज, एंड सरस्वती, सरस्वती इज द मोस्ट होली रिवर इन ऋग्वेद। इट्स सरस्वती नोन एज नदी तमा ऑल्सो, मीन्स नदियों की माता, मदर ऑफ ऑल रिवर्स। आगे देखते हैं, ये लिख लीजिएगा नदी तमा, अब बात कर लेते हैं रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा। ये बहुत बार पूछा है रिवर मेंशन, टीसीएस में पूछता है, आईएएस में पूछ चुका है, रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे लिखेंगे, ऋग्वैदिक नेम्स ऑफ रिवर्स, ऋग्वैदिक नेम्स एंड मॉडर्न नेम्स, आज की तारीख में इनको क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहली हमारी रिवर है जिसके बारे में हम जानेंगे, सिंधु। सिंधु को इंडस कहा जाता है,
टेंडर्स। अब दूसरी निर्णय के बारे में जानेंगे हम, वितस्ता। वितस्ता को क्या कहा जाता है दोस्तों, आप सबको मालूम है, झेलम। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अस्कनी है, उसको चेनाब कहते हैं हम लोग, अस्कनी, उसको हम चेनाब से डिनोट करते हैं, आज की तारीख में से चेनाब कहा जाता है। परुशुली सब जानते हैं, इसके पास 10 राजाओं का युद्ध हुआ था आर्यन अनार कवीरे में, और इसमें जो विजयी हुए थे किंग उनको सुदास थे। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। रावी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद विपासा यानी 20, विपासा यानी 20। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे शतुद्री यानी सतलज। यानी सतलज, ठीक है दोस्तों, इतनी हमारी हो गई। कोमल यानी गोमती, गोमल यानी गोमती। ये तो रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा थी, बहुत सारी रिवर थी, सबसे होली रिवर जो थी वो थी सरस्वती, इट्स नोन एज नदीतमा। दोस्तों लेट्स वी टॉक अबाउट द वेदास, हाउ मेनी वेदास, देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कॉल्ड 1, कॉल्ड वेद 3, एंड अथर्ववेद इज द वेदा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आर फ्रॉम अथर्ववेदा। जस्ट सी द ऋग्वेदा, oldest text, oldest religious text in the world, oldest religious text in the world, contain 1028 hymns. ठीक है फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिए, contain 1028 hymns. An oldest religious text. अब दोस्तों बात करते हैं, ऋग्वेदा divided into 10 मंडल्स, second and seventh मंडल is the oldest मंडल of ऋग्वेदा, second and seventh मंडल is the oldest mandal of Rigveda. Ninth mandal is fully dedicated to Soma, Somdev. Soma is a plant which we found on the peak of Bhujwant. Bhujwant Choti pe Som namak pauda tha, एंड इट्स अ इंटॉक्सिकेटेड प्लांट, जिसे एक नशीले पदार्थ के रूप में यूज किया जाता था। एंड थर्ड मंडल कंटेन्स द गायत्री मंत्र विच वॉज कंपोज बाई विश्वामित्र। गायत्री मंत्र which was composed by Vishwamitra. ये नोट कर लीजिए दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है, फिर पूछ सकता है। ठीक है, the tenth mandal of Rigveda contains Purush Sut, where the reference of वर्णा सिस्टम। टेंथ मंडल पुरुष सूत्र, पुरुष
सूत्र गिव द रेफरेंस ऑफ ऑफ वर्णा सिस्टम. व्हाट इज वर्णा सिस्टम? ऐसा माना गया, ऐसा एक्सेप्टेड थ्योरी है कि दैट ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, थाइस से वैश्य एंड फुट से या पांव से शूद्र. खैर ये पुरानी मान्यता थी, आज हम सब बराबर हैं. देख लेते हैं कितने वर्ण थे, कितने वर्ण थे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फोर वर्णास. दोस्तों वेद काफी जटिल भाषा में थे और आपको ऋग्वेद के बारे में बता दूं एक बात, ये अपौरुषीय है, किसी मनुष्य, किसी ह्यूमन बीइंग द्वारा ये रचित नहीं है. ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को, ब्राह्मणों को कान में ये मंत्र फूके, ब्राह्मण ने अपने शिष्यों को अपने कान में मंत्र फूके, ये गुरु शिष्य परंपरा चलती गई और ऋग्वेद लिखित रूप में उस तरीके से मौजूद नहीं जिस तरीके से था. ठीक है, बाकी दोस्तों ऋग्वेद में और चीजें ही देखनी है हमको. ऋग्वेद का जो प्रीस्ट था नोन एज होत्रा, होत्रा जो इसका पाठ करता था या जो इसका गायन करता था, दैट इज कॉल्ड होत्रा. वेद हमारे जटिल भाषा में थे, उन्हें समझने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट आए, उनकी सरल बातों पर व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट आए. उसके बाद अरण्यक आया, फिर उपनिषद आया. उपनिषद को वेदांत भी कहा गया, जहां वेदों का अंत माना गया. ठीक है, आगे देखते हैं. ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, दो, देयर आर टू ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद. वन इज अत्रे एंड कौशतकी, कौशतकी. दिस टू ब्राह्मण टेक्स बिलोंग्स टू ऋग्वेद. एंड नाउ देयर इज अ उपवेद ऑल्सो. द उपवेद ऑफ ऋग्वेद इज, उपवेद ऑफ ऋग्वेद इज आयुर्वेद, आयुर्वेदा. पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, सुनते आए हैं और देखते आए दोस्तों. ठीक है दोस्तों, सरस्वती इज द होली रिवर इन ऋग्वेद. इट इज ऑल्सो नोन एज नदी तमा, यानी मदर ऑफ ऑल रिवर्स. ये तो ऋग्वेद हो गया दोस्तों. नौ, अब हम बात करेंगे आगे वाले वेदों की. सामवेद, इट्स अ म्यूजिकल टेक्स्ट. सामवेद इज अ म्यूजिकल टेक्स्ट. आपको बता दूं दोस्तों, सारे गामा पागा निशा की उत्पत्ति भारतीय संगीत का जनक यह माना जाता है सामवेद. इसे गायन ग्रंथ भी कहा जाता है. इट्स ऑल्सो नोन एज म्यूजिकल टेक्स्ट. ठीक है दोस्तों, इट डिराइव फ्रॉम द रूट ऑफ समवन. इट डिराइव फ्रॉम द रूट ऑफ समवन. समवन एक धातु है, उससे सामवेद की उत्पत्ति हुई. ठीक है दोस्तों, आगे देखते हुए द प्रीस्ट ऑफ सामवेद आर नोन एज उद्गाती. प्रीस्ट नेम उद्गाती, जो इसका गायन करते थे अर्थात जो इसका पाठ करते थे. ठीक है, उसे उद्गाती कहा जाता था. इनके भी ब्राह्मण टेक्स्ट थे. द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेदा इज पंचविश ब्राह्मण, ब्राह्मण,
पांड ब्राह्मण जी का इसके ब्राह्मण टेक्स्ट था एंड पांड एंड जैमिनी दीज आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेदा दीज आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेदा एंड द उपवेदा ऑफ सामवेद इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपवेदा इज गंधर्व वेदा गंधर्व गंधर्व वेदा सामवेद यहां पे अपना फिनिश होता है ठीक है दोस्तों और अब आगे बात करेंगे दोस्तों यजुर्वेद की बात करेंगे देखते हैं यजुर्वेद इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेदा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा और ये पोएट्री और प्रोस दोनों में है यजुर्वेद ऐसा वेद है कि जो पोएट्री और प्रोस दोनों में है यजुर्वेद डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड परफॉर्मेंस कर्मकांड और सैक्रिफाइसेस को डील करता है द प्रीस्ट ऑफ द यजुर्वेदा इज अधर व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा हुआ है द प्रीस्ट ऑफ आ यजुर्वेदा इज अधर व्यू नाउ सी ब्राह्मणगण ऑफ यजुर्वेदा इज शतपथ एंड तैत्रीय ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा इज यजुर्वेदा इज शतपथ और तैत्रीय शतपथ और तैत्री आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स शतपथ ब्राह्मण इज द लार्जेस्ट ब्राह्मण टेक्स्ट एंड द उपवेदा ऑफ यजुर्वेद इज धनुर्वेद जस्ट रफ समथिंग थोड़ा सा मिटा देते हैं उपवेदा ऑफ यजुर्वेद इज धनुर्वेदा या द यजुर्वेद ऑल्सो कंप्लीट नाउ सी द फोर्थ वेदा विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अथर्ववेदा इट कंटेन्स द मैजिकल फॉर्मूलास एंड इसमें आपका कई सारी चीजें हैं हिप्नोटाइज एंड भूत प्रेत आदि को भगाने के मंत्र वगैरह वगैरह कई सारी चीजें हैं और इसका जो प्रीस्ट था नोन एज ब्रह्मा एंड इसको बात का वेद माना गया है और इसका उपवेद जो था द उपवेद ऑफ अथर्ववेद इज शिल्पवेदा द उपवेद ऑफ अथर्ववेद इज शिल्पवेदा Now we talk about the Vedangs. There are six Vedangs. Please write down, it's very important. There are six Vedangs.
सिक्स वेदांत्स. फर्स्ट इज शिक्षा. शिक्षा मीन्स पॉलिटिक्स या एजुकेशन. पॉलिटिक्स या एजुकेशन. सेकेंड इज कल्प मीन्स रिचुअल्स. थर्ड वन इज निरुक्त. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निरुक्त? इटिमोलॉजी. थ्री एंड नाउ फोर्थ वन इज छंद. फोर्थ वन इज सॉरी व्याकरण. मीन्स ग्रामर. इसी में था पाणिनी का अष्टाध्यायी. ठीक है दोस्तों, द फिफ्थ वन इज छंद. मैट्रिक्स एंड सिक्स्थ वन इज ज्योतिष. एस्ट्रोनॉमी. ठीक है फ्रेंड्स, यहां हमने सिक्स वेदांत पढ़े. अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफी, दर्शन. There are six darshan known as sad darshan. Sad darshan. पहला है आपका सांख्य, कपिल मुनि का. एंड सेकेंड वन इज योग, पतंजलि का. योग पतंजलि. एंड थर्ड वन इज न्याय, गौतम. गौतम. एंड फोर्थ वन इज वैशेषिक कणाद. एंड फिफ्थ वन इज मीमांसा, जैमिनी. एंड वेदांत बद्रायण. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे सिक्स दर्शन हुए, सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. और सबके आपके प्रणेता उनको भी मैंने लिख दिया है, इसको नोट कर सकते हैं. अब बात दोस्तों करते हैं पुराण की. बेसिकली पुराण इज द इंडेक्स ऑफ किंग्स, राजाओं की वंशावली थी. ठीक है, और इसमें धर्म की बातें कही गई थी, शासन की बातें कही गई थी. बेसिकली 18 पुराण है. एपिक्स आर 18 इन नंबर. सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण. और फेमस पुराण में से है विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उपनिषद की. दोस्तों वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए अनायक आए. अनायक नॉन एज जंगल बुक. ऐसा माना गया कि ब्रह्मचारी या ब्राह्मण लोग जंगल में जाते हैं और वहां पर जाके वेदों की व्याख्या, वेदों का एक्सप्लेनेशन
सिंपल लैंग्वेज में करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट बुक अरण्यक। ठीक है, उसके बाद पुराण उपनिषद की बारी आई। उपनिषद का मीन्स लिटरली मीन उपनिषद, उपनिषद उपनिषद उप प्लस निषद धातु से मिलकर बना है। उप मतलब ऊपर, निषद मतलब नीचे बैठना, मतलब गुरु के पास, गुरु के नीचे स्थान पर बैठकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। हमारी इंडियन फिलोसफी पे उपनिषदों की बहुत छाप है। इनफैक्ट बौद्ध फिलोसफी की और बात करें, बुद्धा फिलोसफी की बात करें, तो उसमें भी उपनिषद की छाप हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ठीक है, और शंकराचार्य की भी बात करें तो वहां भी उपनिषदों की बात हमें दिखाई देती है। दे आर 118 नंबर। विद्यारक उपनिषद, छांदोग उपनिषद, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट उपनिषद, चर्चा करेंगे इनके बारे में। यहां तक ये हो गया दोस्तों, अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, क्या थी इकोनॉमिक लाइफ वहां पे? दोस्तों बता दें आपको, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, पेस्टोरियल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी प्रेजेंस ओवर देयर। पेस्टोरियल यानी पशुचारणी, पेस्टोरियल यानी पशुपालन वहां पे था, एनिमल हस्बेंड्री थी, प्लस एग्रीकल्चर था, और कुछ मानों में ट्रेड एंड कॉमर्स भी था। लेकिन जिस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लरिश होते हुए देखा, वहां पे ये कम दिखाई दिया। ठीक है, पेस्टोरियल इकोनॉमी थी, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, और मोड ऑफ एक्सचेंज जो था बार्टर सिस्टम में काफी दिन तक चलता रहा। किन काउ इज द होली एनिमल ऑफ पहले होली एनिमल इन ऋग्वैदिक पीरियड। काउ जो थी मोड ऑफ एक्सचेंज भी थी, बड़े लेन देन के मामलों में काउ को माध्यम बनाया जाता था लेन देन का, जिसके बाद बहुत सारी गाय या काउ होती थी। ही नोन एज गोमत रिच पर्सन, मिक्स एंड शतमान, दीज आर द गोल्ड पीस, नॉट गोल्ड कॉइन, दिस द गोल्ड पीस। एंड बलि वॉज द मेन टैक्स इन ऋग्वैदिक पीरियड। बलि वॉज द मेन टैक्स इन ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटिकल लाइफ पे। किंग होता था, बट द किंग वॉज इलेक्टेड बाई समिति, समिति एंड सभा, समिति लाइक लोकसभा एंड समिति एंड सभा, देर आर टू ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड ऑल द प्रोसीजर इन ट्राइब। समिति इलेक्टेड द किंग, एंड किंग वॉज नॉट सो मच रॉयल, किंग वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, किंग वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, किंग वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। समिति वॉज द नेशनल असेंबली, एंड द नेशनल असेंबली ऑफ द पीपुल, एंड सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। आप लोकसभा राज्यसभा मान सकते हैं। नो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी कोई नहीं थी वहां पे। वॉर होती थी, वॉर के समय आर्मी को ले लिया जाता था लालच देके, लेकिन कोई फिक्स्ड आर्मी नहीं थी। ये सारी चीजें वहां पे पाई गई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपन, थोड़ी देर में बात करेंगे, देख लेंगे 5-7 मिनट का, उसमें रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गाइस, बैक इन 10 मिनट्स।